ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಂದು ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸಂವಾದ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕುರಿತು ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. अच्छा जरा अपने बारे में बताइए. हाँ सर, मैं प्रधानमंत्री आवास योजना से सर घर मिला है और सर हमको उज्ज्वला योजना गैस मिला है सर और टॉयलेट मिला है. नहीं नहीं, आपको सर... आपको लाभ मिला है, पहले जरा अपने बारे में तो बताइए अर्जुन जी. हाँ सर, मैं तो आप बहुत खुश हूँ सर, आपका साथ आज बात करने के लिए जो मौका मिला है, आप सर मेरे भगवान है. आप करते क्या हैं अर्जुन जी, करते क्या आप? मैं सर चाय बागान में सर काम करता हूँ सर. हाँ जी, अच्छा आप बताइए, आप योजनाओं के संबंध में क्या कह रहे थे? हाँ सर, मैं तो पहला मेरा घर मिट्टी का था सर, मेरे पिताजी माताजी और मेरे बीबी बच्चे लेके सर उधर ही गुजरता. मगर हमारे जिले में है, समूह में है, हम सब संगठन में है एक. अच्छा रुबीना जी, पहले अपने विषय में बताइए, आप क्या करती हैं, कैसे इस काम से जुड़ गई आप? सर, मैं जब समूह से नहीं जुड़ी थी तो मैं मजदूरी करती थी, और जब मैं 2017 में समूह से जुड़ी, जब मैंने एक लोन लिया, हमारे समूह से ही मैंने लोन लिया 5000 का, और 5000 का लोन लेकर मैं कपड़े लेके न आई, और कपड़े लेके मैं अपने गाँव में ही बेचने लगी, और मेरे घर से ही कपड़े बिकने लगे. जब मैं धीरे धीरे और ज्यादा मेरी आय बढ़ती गई तो मैं और भी माल लेके आती गई. जब मेरा काफी बढ़ गया, दो तीन तीन चार महीने हो गए, जब मेरे घर वाले और मेरे पति ने निर्णय लिया कि क्यों ना अपन अब, क्योंकि मोटरसाइकिल से ना साइकिल से सर माल नहीं बेच पा रही थी मैं, तो मैंने मारुति वैन, सेकेंड हैंड मारुति वैन खरीदी. मारुति वैन ले आई आप? जी सर, मारुति वैन लेके आई. मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है और आप तो पास मारुति वैन है. जो है देश के नागरिकों का प्रधान सेवक के रूप में स्थलीय मटद हमने देखा है भागवहिसिद्दारे. केंद्र सचिव डॉक्टर मनसुख मांडवीय ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ 15ರಿಂದ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮೂಲಕ ಶುರುವಾಗಿದ್ದ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಹಾಗೂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಈ ಯಾತ್ರೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕುಚ್ ಕರ್ತಿ ಹೇ ಕೆ ಉಸ್ಕೆ ಲೋಗ್ ಆಪ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಉಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೆ ಜುಡ್ತೆ ಹೇ ಕ್ಯಾ? ಸರ್, ಮೇರಾ 95% ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ UPI ರಹತಾ ಹೇ, 5% ಕಭಿ ಜೋ ಮುಝೆ ಜಮಾ ಕರಾನಾ ಹೋತಾ ಹೇ ತೋ ವಹಿ ರಹತಾ ಹೇ. ವಾಹ್. ಹಾಂ ಬತಾಯಿಯೆ, पर्याप्त अवसर मिले. पिछले 9.5 साल में अपने देश के लिए कई योजनाएं चलाई, इन योजनाओं से देश के युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को लाभ मिला. हर योजना का प्रभावी ढंग से अमलीकरण हो और विकसित भारत की कल्पना साकार हो, इसके लिए प्रधानमंत्री जी आपने 15 अगस्त 2023 को झारखंड के खूंटी जिले से विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रारंभ किया था. एक ये महिलाओं के लिए एक वरदान साबित हुआ कि जो महिलाएं लोगों में मिलेट्स का, मोटे अन्न का, जिसको हम अब श्री अन्न कहते हैं, जी सर, बाजरा वगैरह जो पहले खाते थे, वो खिलाने की लोगों को आदत हो रही है. अभी समझा रहे हैं आप लोगों को? जी सर, सब मोटा अनाज जैसे हम पहले ये था. मुझे खुशी है कि आपके पीछे जो महिलाएं बैठी है वो भी मुंडी हिला रही है. सर, ये मेरे साथ ही, जैसे मैंने जो सर ये मिले, कई महिलाएं जो मोटे अनाज के साथ में काम करती हैं, और कई महिलाएं जो मैंने मास्क के टाइम अपने साथ काम कराया, वो 40 महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हुई है सर. और अच्छा, कितनी महिलाएं आपके साथ काम कर रही है सपना जी? सर, मेरे साथ 40 महिलाएं काम कर रही है सर. चलिए सपना जी, अच्छा आपको ये मालूम है, हमने एक पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की है. जिस पीएम विश्वकर्मा योजना में, जैसे आपने कहा आप कुम्हार हैं, समाज में ऐसे कुछ समाज के लोग हैं जो
समाज को चलाने के लिए मूलभूत काम करते हैं उनके लिए पीएम विश्वकर्मा, वो आपके समाज को भी है तो उसका प्रचार हुआ है, उसका लाभ ले रहे हैं लोग? हाँ सर, उसका लाभ भी अभी हमने लोगों से चर्चा की, कई लोगों को बताया भी है, वो तैयार है। और उसी के साथ साथ हमने पीएम स्वनिधि की 35 महिलाओं की भी फॉर्म भरवाए हैं, उज्ज्वला योजना की भी भरवाए हैं सर। एसएचजी की जो महिलाएं हैं उनको हमने एक टारगेट दिया कि जो जो हम लीडर हैं या टीम मेंबर है वो अपने आसपास के एरिया को कवर करें और उस चीज को आगे बढ़ावा दें जिससे महिला सशक्तिकरण को एक ऊंचाइयों तक ले जाया जा सके। सपना जी, आपने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए काफी अच्छा काम किया। आपके काम की वजह से लोगों को मास्क भी उपलब्ध हुआ और मास्क का महत्व भी समझ में आया। साथ ही आप सभी महिलाएं अब साथ मिलकर के अनेक विध काम कर रही है। आप सभी की सामूहिक शक्ति, और जैसे आपने कहा कि मातृशक्ति की ताकत है, ये आपको सफलता की नई ऊंचाई पर जरूर पहुंचाएंगी। आप ऐसे ही बेहतर काम करें और आगे बढ़े। और मेरा एक आग्रह और भी है, ये आपकी जितनी दीदी है ना, ये जो मोदी की गाड़ी है उस कार्यक्रम को सफल बनाए, गांव गांव सूचना करे, ज्यादा से ज्यादा गांव के लोग आए वहां, तो उसमें क्या लाभ मिलता है उनको पता चलेगा। तो आप बड़े आराम से 3-4 गांवों में इस गाड़ी के कार्यक्रम बहुत बड़े हो जाए, इसके लिए आप सबने काम करना चाहिए ताकि जैसा लाभ आप लोगों को मिला है वैसा लाभ बाकी गांवों को भी मिलेगा। सर, हमने सिंगल यूज जो प्लास्टिक आपका एक मिशन था उसको भी हमने आगे बढ़ाने के लिए कॉटन बैग्स और जूट के थैले इस तरह से हमने तैयार किए हैं। आगे ये मोबाइल कवर जो के आजकल मैगजीन में यूज करते हैं वो चीजें पब्लिक छोड़े और जूट को अपनाए, इसके लिए भी सर हमने काफी प्रयास किया और उसी के साथ में मेरी महिलाएं अभी लगी हुई है सर। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, ये क्या कह रही थी आप सपना जी? चलिए सपना जी, सब बहनों को मैं यहाँ से हाथ हिला करके नमस्ते कर लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।